नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ जी फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक बेटनोबेट सी है, दूसरा टेनोबेट एम। ये दोनों ही सेम कंपनी की क्रीमें हैं। आपने तो ज़्यादातर सुना होगा बेटनोबेट सी और बेटनोबेट एन के बारे में, लेकिन आपने बहुत ही कम सुना होगा टेनोबेट एम के बारे में। दोस्तों टेनोबेट एम एक ऐसी क्रीम है जो कि बेटनोबेट सी और बेटनोबेट एन कंपनी द्वारा ही बनाया जाता है, और इस कंपनी का नाम है GSK। जैसा कि इस पर लिखा भी हुआ है GSK, ग्लास्को स्मिथ काइन इसे बोलते हैं, फुल फॉर्म है। और GSK ही तीनों क्रीम को बनाती है, चाहे बेटनोबेट सी हो, बेटनोबेट एन हो या टेनोबेट एम हो, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा प्रमुख क्रीमें मानी जाती हैं। हालाँकि ये कंपनी बहुत ही सारे प्रोडक्ट का निर्माण करती रहती है, चाहे वो ब्यूटी का हो, हेल्थ का हो या फिर मेडिकल का प्रोडक्ट क्यों ना हो। दोस्तों आज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों क्रीमों का मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के कि सर आप टेनोबेट एम का रिव्यू दे दीजिए, कुछ लोग कह रहे थे बेटनोबेट सी का दोबारा से बता दीजिए लेटेस्ट रिव्यू। तो मैंने सोचा कि दोनों का साथ में ही वीडियो बना देते हैं और दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, जिससे ये भी बात पता चल जाएगी कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। दोस्तों तो सबसे अच्छा जो होगा आपको लास्ट में पता चलेगा, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे दो क्रीम है, सबसे पहला हमारा जो कह सकते हैं येलो कलर की कर्लिंग का है बेटनोबेट सी है, और वाइट कलर की कर्लिंग में है टेनोबेट एम। दोस्तों और दोनों के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है GSK, GSK मतलब ग्लास्को स्मिथ काइन। दोस्तों उसके अलावा एक है 30 ग्राम का, एक है 15 ग्राम का। दोस्तों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइस में इसमें क्या कंपेरिजन है। तो यहाँ पे बेटनोबेट सी है 44 रुपए का दोस्तों, और टेनोबेट एम है यहाँ मात्र 82 रुपए का। तो यहाँ पे दोस्तों टेनोबेट एम काफ़ी ज़्यादा महंगा निकल करके आ रहा है। उसके अलावा प्राइस की बात करते हैं तो बेटनोबेट सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है 30 ग्राम, जबकि ये 15 ग्राम का है। तो यहाँ पे सस्ता भी है और कह सकते हैं ज़्यादा भी है बेटनोबेट सी, तो यहाँ पे अच्छी निकल के आई बेटनोबेट सी। लेकिन बात करेंगे क्या ये हमारे स्किन के लिए अच्छा कौन सा होता है, तो दोनों में हम देख पा रहे होंगे दोस्तों कि केमिकल टोटली डिफरेंट है। बेटनोबेट सी में आप देख पा रहे होंगे बेटा मेथासोन है, जो कि एक एस्टेरॉइड माना जाता है और एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्लूकोनॉल फंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा कह सकते हैं जो हमारी टेनोबेट एम है इसमें क्लोबेटासोल प्रोपिनेट है, जो कि चेहरे के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि झाइयों के लिए काफ़ी इफेक्टिव ये साबित हो रहा है क्लोबेटासोल प्रोपिनेट। उसके अलावा माइकोनाजोल है, ये भी फंगल के लिए एक अच्छा माना जा रहा है, तो ये चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है टेनोबेट एम। जबकि जो बेटनोबेट सी है ये चेहरे के अलावा हर बॉडी पार्ट जैसे एलर्जी, दांत खाज, खुजली, रेडनेस की समस्या के लिए अच्छा हो जाता है। दोस्तों तो अब हम और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे केमिकल की जो मात्रा आती है इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि माइकोनाजोल नाइट्रेट जो है इसमें 2% के करीब मिलाया जाता है, जिस वजह से ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, पूरे 2% दोस्तों, जबकि क्लोबेटासोल है वो 0.05% और अन्य जो केमिकल्स हैं काफ़ी छोटे केमिकल 0.1%। तो 2% बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत हार्ड केमिकल होता है दोस्तों, इस वजह से महंगा भी हो जाता है। उसके अलावा बेटनोबेट सी में दोस्तों कह सकते हैं कि इसमें क्लूकोनॉल 3% मिलाया जाता है, तो क्लूकोनॉल 3% मिलाया जाता है ये भी ज़्यादा है, लेकिन क्लूकोनॉल उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है दोस्तों। और क्लूकोनॉल बेसिकली कह सकते हैं बैक्टीरिया, एलर्जी, फंगल के लिए भी थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन जो टेनोबेट एम है ये स्पेसिफिक तरीके से चेहरे के लिए भी कह सकते हैं बनाया गया, क्योंकि क्लोबेटासोल बड़ी झाइयों की समस्या को रिमूव करने में मदद करता है। झाइयों के लिए हम बड़े सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये अपने फेस की सर्जरी भी करवा लेते हैं झाइयों वगैरह को ख़त्म करने के लिए दोस्तों, डर्मेटोलॉजिस्ट है मिलकर के। तो ये जो है टेनोबेट एम आपकी झाइयों को चुटकियों में ख़त्म करने में माहिर माना जा रहा है, हालांकि तुरंत तो नहीं ख़त्म करेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे आप रेगुलर लगाते रहिए आपका ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अब मेन बात आती है कंपैरिजन की, चेहरे के लिए कौन सा अच्छा है, तो यहाँ पे टेनोबेट एम चेहरे के लिए अच्छा है दोस्तों। और जो बेटनोबेट सी है, हालांकि ये चेहरे के लिए बनाया नहीं गया, लेकिन बेटनोबेट सी को आप चेहरों पर लगा सकते हैं, जैसे कि अगर चेहरे पर भी दांत खाज, खुजली, रेडनेस वगैरह आ गई, क्योंकि रेडनेस वगैरह या फिर स्किन प्रॉब्लम तो चेहरे के साथ साथ अन्य बॉडी पार्ट पर भी आ सकती है, तो आप कहीं पे भी बेटनोबेट सी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेनोबेट एम है चेहरे के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है, तो टेनोबेट एम हमारे लिए एक कह सकते हैं फेयरनेस के तौर पे भी, हालांकि चेहरे का कलर नहीं चेंज करता, लेकिन चेहरा स्मूथ तो दाग धब्बे ख़त्म रहेंगे, तो टेनोबेट एम एक अच्छा वर्क करता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है टेनोबेट एम अच्छा है, लेकिन टेनोबेट एम थोड़ा महंगा भी है। और अब बचने का तरीका, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो दोनों के साइड इफ़ेक्ट तो कह सकते नहीं ही होते हैं, साइड इफ़ेक्ट तब आएंगे जब आप इन क्रीमों को बहुत ही ज़्यादा लगा लेंगे अनवांटेड तरीके से, मतलब बिना
गैर जरूरी तरीके से आप लगा लेते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, रेगुलर आप क्रीम लगाते जा रहे हैं तो आपकी स्किन को दोनों क्रीमें साइड इफेक्ट दे सकती हैं। और दोनों क्रीमों में दोस्तों बच्चे ना लगाएं, मैं कहूँगा कि 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोग लगाएं, जो टीन एजर्स होते हैं मतलब उम्र उनकी बढ़ जाती है और ख़ासतौर पर टीन एजर्स को ही स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है, बच्चों को होती भी नहीं है दोस्तों। तो टीनेजर्स लगाएं, बुजुर्ग लोग लगाएं, ये सभी लोग लगा सकते हैं। हालांकि हमारे चेहरे की खूबसूरती या फिर देखभाल के लिए टेनोबेट एम ही अच्छा रहेगा, और बेटनोबेट सी दांत खाज खुजली रैसेज इन्फेक्शन के लिए अच्छा माना जाता है दोस्तों। दोनों ही सेम कंपनी के प्रोडक्ट हैं दोस्तों, तो एक भरोसेमंद कह सकते हैं, और GSK बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जा रही है। आप खुद भी नेट पे या फिर कहीं पे भी देख सकते हैं GSK के बारे में, काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट का निर्माण करती रहती है, इसके प्रोडक्ट इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंपैरिजन पसंद आया हो, और इसके बाद अगर आप अन्य क्रीम का कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।